हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक का बहाली निकला हुआ है, जिसमें 40,889 पदों के लिए भर्ती निकला हुआ है और ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आप सभी को हम बताएंगे किस राज्य में कितना वैकेंसी निकला हुआ है और उसका हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या योग्यता मांगा जा रहा है, उसमें आपको कितना पेमेंट करना होगा, उसका ज्वाइनिंग कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आपको इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको इस पेज पे आ जाना है, इस पेज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद से सर्कल वाइज पोस्टेज नोटिफाइड आपको इस पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में कितना वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस पे आपको सर्कल वाइज पोस्टेज नोटिफाइड पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टोटल राज्य का कितना वैकेंसी किस राज्य के लिए निकला हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए 2480 वैकेंसी निकला हुआ है, आसाम के लिए यहाँ पे 355 वैकेंसी है, और फिर आसाम बंगाली के लिए यहाँ पे 36 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बिहार के लिए देख सकते हैं 1461 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए आप सभी देख सकते हैं 1593 वैकेंसी निकला हुआ है। उसी तरह से आप हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे सभी राज्यों के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं URL के लिए इतना वैकेंसी निकला हुआ है, OBC के लिए इतना वैकेंसी निकला हुआ है, और SC और ST, EWS सारे के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपके राज्य में कितने पदों के लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए कितना पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं टोटल जो है 40,889 वैकेंसी निकला हुआ है, सभी राज्यों के लिए टोटल 40,889 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन पे आना है और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो 27/1/2023 को जारी किया गया है। वो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी जो है, ग्रामीण GDS का वैकेंसी जो है निकला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 27/1/2023 से लेकर 16/2/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद किसी भी प्रकार का एडिट या करेक्शन करना है तो आप उसको 17/2/2023 से लेकर 19/2/2023 तक आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का करेक्शन जो है अपने फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी इसमें एडिट और करेक्शन करने का ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका एक्टिव होगा 17/2/2023 से 19/2/2023 तक। इस बीच में आपको करेक्शन जो है जो भी है कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दो कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में आपको BPM का मतलब होता है दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर का वैकेंसी निकला हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दूसरे में ABPM या डाक सेवक। ABPM का मतलब दोस्तों होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। यहाँ पे दो पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है निकला हुआ है। अब आप अगर BPM के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी जो है 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक आपको लास्ट पेमेंट मिलेगा। उसके बाद से अगर आप ABPM के लिए या डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए तक आपको मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मिनिमम एज जो है आपका 18 इयर्स और मैक्सिमम एज जो है आपका 40 इयर्स के अगर बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप SC ST से तो आपको 5 इयर्स का छूट मिलेगा, अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी अगर फिजिकल डिफेंड है तो आपको 10 ईयर्स यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पे आना है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है मैट्रिक पास अगर आप है तो इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उसके बाद से साइकिल चलाने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगा, तो इसका जो ज्वाइनिंग है दोस्तों आपका मैट्रिक बेस पे ज्वाइनिंग होगा और इसमें आपको 100 रुपए का पेमेंट भी करना होगा। अगर आप जनरल और ओबीसी कास्ट से हैं तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा, अगर आप एससी एसटी या फीमेल है तो आपको एक भी पैसे का पेमेंट आपको नहीं करना होगा। उसके बाद से अब बात आती है कि इसमें जो ज्वाइनिंग होगा किस आधार पे होगा, तो इसमें जो ज्वाइनिंग होगा दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इसमें ज्वाइनिंग होगा आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है, मैट्रिक में आपका जितना भी परसेंटेज मार्क्स मिला है उसी बेस पे आपका इसमें ज्वाइनिंग होने वाला है। अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है तो आपका श्योर है कि इसमें जॉब जो है हो जाएगा, लेकिन अगर आपका परसेंटेज मैट्रिक में कम है तो बहुत कम चांस है कि इसमें आपका जॉब हो पाए। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फीमेल अप्लीकेंट, उसके बाद से एससी एसटी अप्लीकेंट, पीडब्ल्यूडी अप्लीकेंट जो है उनको पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप फीमेल है या एससी एसटी है तो आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होगा, सिर्फ जनरल और ओबीसी को पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फिर से इस पेज पे आना होगा। इस पेज पे आने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद से एप्लीकेशन का नाम देना है, उसके बाद से फादर्स नेम देना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद से यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, उसके बाद से जो कम्युनिटी देना है आप जनरल है एससी है एसटी ओबीसी जो भी है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सर्कल इन व्हिच सेकेंडरी स्कूल पास, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य से 10वीं पास किए, तो आप जिस भी राज्य से होंगे यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस सन में 10वीं पास किए हैं, यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा कोड देना है, उसके बाद से सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे आना है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद से एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई सर्कल जो है आप किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका टोटल डिटेल जो है आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, उसके बाद से एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद से आपको लास्ट जो है आपका फी पेमेंट, आपको भी यहाँ पे फी पेमेंट करना है, तो आपका फॉर्म जो है टोटल सबमिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें।